हेलो एवरीवन, मैं अंजलि आज आपको स्टॉकिंग के फ्लावर सिखाऊंगी। सबसे पहले हम गोल्डन वायर लेंगे, तो ये हमारी गोल्डन वायर है। इसके लिए स्टॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टॉकिंग इस तरीके से मार्केट में मिलते हैं, आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएंगे। ये स्टॉकिंग्स हैं हमारे। सबसे पहले हम इन गोल्डन वायर को ये मेरी खाली बॉटल्स हैं ये दो शेप हम लेंगे। ऐसे टर्न कर लेंगे। ऐसे ही मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं पहले से। एक मैं आपको ये बड़ा शेप बना के बता देती हूँ। इस तरीके से हम इनका शेप तैयार कर लेंगे। इनमें से हम एक ये शेप ले लेंगे अपनी। ये कॉटन है हमारी। कॉटन को इसके ऊपर रख के इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। ये हमारी स्टॉकिंग है, इसको इसके फोल्ड को हम खोल लेंगे इस तरीके से, और इस पेटल को इसके अंदर रखकर इस साइड से हम दबा लेंगे। फिर इसको थोड़ा सा खींच के ऐसे पकड़ के ये शेप को हम पेटल का शेप थोड़ा सा और अच्छा और क्लियर करेंगे। फिर रील से हम इसको ऐसे, ये और ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले आपको बताए थे आर्गेंडी के फ्लावर में इसका फोल ये ऐसे जाना चाहिए। ये फोल ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिया। इसको खींच के सीजर से ये कट कर देंगे। ऐसे मैंने पहले से बहुत सारी पैटर्न ये बना के रखी हुई हैं, ये देखिए आप। ऐसे ही मैंने सारी पैटर्न तैयार कर ली हैं। अब हम ये इसकी कली बनाएंगे। बस इसको बनाने के लिए थोड़ी सी टेक्निक है। हम ये दो पैटर्न लेंगे, इन दोनों पेटल्स को ऐसे पकड़ के और धागे से बहुत अच्छे से बांध देंगे। ये ऐसे तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। देखिएगा ध्यान से, इसको यहां से पकड़कर इस तरीके से ये शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमारी कली तैयार है। इसको हम टेप से कवर कर लेंगे।
जिससे हमारा ये जो धागा है एक्स्ट्रा धागा वो दिखे ना। इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर पहले से तीन चार कलियाँ तैयार करके रखी हैं। अब मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको सिखाऊंगी इसमें, इस तरीके से कैसे बनाते हैं। जब हम स्टॉकिंग के फ्लावर बनाते हैं तो जब हम ये पेटल बनाते हैं इसमें से बहुत सारी स्टॉकिंग हमारी वेस्ट चली जाती है। जो स्टॉकिंग के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, एक वायर लेंगे, इसको थोड़ा सा कट करेंगे, ये फोल्ड करेंगे वायर को इस तरीके से। इसमें भी हम थोड़ी सी कॉटन लेंगे, कॉटन को बहुत अच्छे से इस पर ऐसे जो एक्स्ट्रा कॉटन है वो निकाल दीजिए, बस इतना रहे हमारा कि एक बर्ड जैसी तैयार हो जाए। थोड़ा शेप देंगे उसको कली की तरह, ये देखिए। अपने हाथों से शेप देंगे दबा दबा के। अब जो ये स्टॉकिंग है ये देखिए, थोड़ा सा खींच कर और अपने हाथों से और अच्छा सा शेप दे देंगे। रील से उसी तरीके से बांधेंगे जैसे हमने बताया है, दो बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, एक्स्ट्रा स्टॉकिंग निकाल देंगे। इसके ऊपर टेप लगा देंगे जिससे एक्स्ट्रा जो हमारी स्टॉकिंग है या हमारा धागा है वो दिखेगा नहीं। और ये हमारी ये इसी तरीके से तैयार हो गई, जैसे मैंने ये बहुत सारी आपके लिए तैयार कर रखी हैं पहले से। इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी लीफ बनाना, ये आप देख रहे हैं मैंने लीफ बनाई है। तो इसके लिए हम वायर लेंगे, गोल्डन वायर, ये गोल्डन वायर है हमारा। अगर हमें छोटी लीफ बनानी है तो हम ये शेप ले लेंगे, बस इसका मेज़रमेंट इतना लेंगे इसके बराबर। हम इसको सीज़र से कट कर लेंगे यहाँ पर, ये एक रिफ़िल है। फिर हम ये रिफ़िल लेंगे, इस रिफ़िल पर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बस थोड़ा छोड़ देंगे आगे पीछे, रिफिल में से निकाल लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को बस ये मैंने छोटी लीव बना के बताई है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी जैसी भी बनानी हो। फिर इसको हम थोड़ा सा ऊपर खींच के लीफ का शेप दे देंगे, देखिए हो गया। अब ऐसे ही हमारी ग्रीन स्टॉकिंग आती है, ये रही, इसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे खींचेंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा टाइट खींच के बस थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है।
इसी, फिर एक्स्ट्रा स्टॉकिंग हम निकाल देंगे। इस पे हम ग्रीन फ्लोरल टेप लगा देंगे। ये सारा सामान किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएगा आप, और सारा सामान मैं लिख दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसको थोड़ा सा और लीफ का शेप दे देंगे। तो ये मेरी छोटी लीफ हो गई है, ये मेरी बड़ी लीफ। आना चाहें कहीं कहीं छोटी लीफ और कहीं हम बड़ी लीफ को यूज़ कर लेते हैं। अब हम ये स्ट्रिंग बनाएंगे। ये मैंने पिछली बार भी आपको आर्गेंडी के फ्लावर सिखाए थे, उसमें सिखाई थी। ये मेरे पास पतला वायर है जो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है, बस इस पर हम ग्रीन फ्लोरल टेप इस तरीके से लगा देंगे। फिर एक पेन लेंगे, पेन के ऊपर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ऐसे निकाल दीजिए, थोड़ा सा खींचेंगे, कुछ ज़्यादा खींच लें और एक दो बनाए उनको कम खींच दें बस, जिससे यहाँ पर एक हम मोती लगा सकते हैं। अब मैं आपको फ्लावर का अरेंजमेंट बता, वायर में एक मोती लगा दिया है और उसको फोल्ड कर दिया है। वैसे हम इसमें पिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें मोती ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मोती लिया है। देखिए थोड़ा सा ऐसे पकड़ेंगे, एक पैटर्न लगाई हमने, सेकंड पैटर्न जस्ट इसके बगल से। हर पेटल को अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। अंदर वाली पेटल, हम थोड़ा सा अंदर वाली पेटल को ऐसा शेप दे देते हैं और बाहर वाली पेटल को ये दे देते हैं, फिर उसके बाहर वाली पेटल को इस तरीके से ऐसे शेप देते हुए हम फ्लावर का अरेंजमेंट करेंगे। एक पेटल को इसके बगल से। अब देखिए मैंने चार छोटी पेटल लगाई हैं और हमने ये शेप दिया है इसको। अब मैं बड़ी पेटल लूंगी, लगाते जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको शेप देते जाएंगे। ये देखिए ये एक पेटल और लगा देंगे, बस थोड़ा सा और ये थोड़ा खिलता हुआ सा लगेगा। इस
ये हमने एक बड़ा फ्लावर बनाया है, ऐसे ही हम दो छोटे छोटे फ्लावर बना लेंगे। ये अब मैं आपको इसको वायर में अरेंज करना बता देती हूँ। सबसे पहले हम दो इस तरीके की बड ले लेंगे, ये एक रेड लगाई है, फिर एक रेड कलर की एक येलो लगा लेंगे। अब इसमें से एक ले लेंगे, एक और बड ले लेंगे, फिर एक छोटा फ्लावर, फिर बड़ा फ्लावर, लीफ सबसे लास्ट में लगाएंगे इसमें। एक बड़ा फ्लावर, देखिए दो ही स्टिक बहुत सुंदर लगेंगी। किसी भी फ्लावर पॉट में दो लगाइए, चार लगाइए, अब सबसे लास्ट में एक लीफ का अरेंजमेंट करेंगे। अब इसको अपने तरीके से देखिए अरेंज कर देंगे, लीफ को जैसे आप घुमाओगे वैसे वो अरेंज हो जाएगी। देखिए कितना सुंदर आया। आप यहाँ पर भी एक लीफ लगा सकते थे, मैंने लगाई नहीं कि मैं लास्ट में एक लीफ लगाऊंगी। अब मैं एक और स्टिक आपको इसकी तैयार करके बताती हूँ, बहुत सुंदर लगती है। हम इसको बीच में अरेंज करते हैं, जैसे मैं स्ट्रिंग को अरेंज करती हूँ ऐसे मैं इसको भी अरेंज कर लेती हूँ। इसमें हम सिर्फ यही बर्ड लगाएंगे, थोड़ा सा टेप को खींच के लगाएंगे, स्टिकी होता है पर थोड़ा सा, ये एक लगा ली, एक साइड इधर और एक साइड इधर, ये देखिए। ऐसे ज़्यादा बड़ी ना हम करें, बस यहीं पर ही ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी दो स्टिक बना लेंगे, इसमें हम अपनी स्ट्रिंग अरेंज कर देंगे। जो मैं ये बनाती हूँ ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये हो गया। ये देखिए इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक स्टिक मैं और बताती हूँ आपको, इसमें बहुत बड़े फ्लावर नहीं होंगे, बस हम छोटी छोटी कलियों की ही स्टिक तैयार कर लेंगे। ये हो गई 4, 5, ये लगा दी। एक इसमें हम ये लगा देंगे,
फिर हम लगाएंगे एक बहुत छोटा सा फ्लावर। देखिए ये मैंने सिर्फ एक पेटल का तैयार कर लिया है, फिर इसमें एक लीव लगा देंगे। फिर इसमें एक स्ट्रिंग लगा देंगे। अब मेरे पास जो बची हुई कलियां हैं, मैं उनका एक और बना देती हूँ। येलो, रेड, अब मैं ये अपनी छोटी लीव अरेंज कर दूंगी इसमें। फिर एक ये बर्ड, फिर एक ये, एक लीव यहाँ अरेंज कर दें। और एक स्ट्रिंग में और अरेंज कर देती हूँ। अब देखिए ये हमारी स्टिक तैयार है। इनको हम इस फ्लावर पॉट में अरेंज कर देंगे। ये थर्माकोल के पीसेस हैं, हमने थर्माकोल के मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसमें मैं चॉक पाउडर मिला लूंगी। थोड़ा सा चॉक पाउडर मिला लेंगे। बस थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। देखिए इसमें मैंने कुछ और नहीं मिलाया है, पहले मैंने ओरल बता दिया था, लेकिन फिर मुझको कुछ मैसेजेस आए कि मैम आप ये करके बताना। मैंने इसमें सिर्फ थर्माकोल के पीसेस और चॉक पाउडर मिलाया है। बस ये सूख के इतना टाइट हो जाता है कि इसमें से बिल्कुल फ्लावर की स्टिक निकलेंगी ही नहीं। अगर ये थोड़ा ढीला सा लगे तो आप इसमें और चॉक पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन बस इतना ही टाइट हो जाता है। इनको हम ऐसे इस तरीके से फिल कर देंगे। इसको मैंने बहुत छोटी सी बास्केट ली है, लेकिन थोड़ी सी बहुत सुंदर और क्लासी बास्केट थी ये मेरी। अब देखिए मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया है थर्माकोल में पीओपी मिला के बास्केट में डाल दिया है और मैंने इन स्ट्रिंग्स को अरेंज कर दिया। अगर आपको ये मेरी बास्केट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।